नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। आपके साथ में हूं लक्ष्य शर्मा। 23 अक्टूबर का वो दिन जब भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला होगा। जी हां, लाखों करोड़ों अरबों फैंस इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं कि कब भारत और पाकिस्तान भिड़ेंगे, कब गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच में वो संघर्ष देखने को मिलेगा, कब वो रोमांच आएगा मैच में, कब वो रिजल्ट आएगा जो सारे फैंस देखना चाहते हैं। लेकिन एक मैच शुरू हुआ नहीं है, सारी टिकटें बिक गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन एक दिक्कत आ गई है भैया। वो दिक्कत क्या आई है? दिक्कत ये है कि इंद्र देवता ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं मान रहे। भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला 23 तारीख का है, 23 अक्टूबर का है, आप सभी को पता है। और उस दिन पूरे दिन तेज बारिश की प्रेडिक्शन की गई है मौसम विभाग ने। जी हाँ, पूरे दिन तेज बारिश हो सकती है और इसके अलावा हवा के साथ तेज बारिश होगी। तो आप सोचिए कि मैच अधर में अटका हुआ है अभी भी, चाहे पाकिस्तान के खिलाड़ी हो, चाहे भारत के खिलाड़ी हो, चाहे पाकिस्तान के फैंस हो या भारत के फैंस हो, सभी के मन में ये डर है कि यार मैच होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेलबर्न में ये मैच होना है और वहां का जो फोरकास्ट है वो इतना अच्छा है नहीं। पूरे दिन बारिश की आशंका जताई जा रही है, और अगर पूरा दिन होती है तो आप सोचिए मैच कैसा होगा। क्योंकि अगर ठीक है थोड़ी देर भी बारिश होती है तो ग्राउंड्समैन के पास समय होता है ग्राउंड को सुखाने का, मैच करवाने का, लेकिन अगर पूरे दिन भी होती है तो भैया फिर तो कोई मौका लग नहीं रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि ऐसा होना को मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारे फैंस ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो। और एशिया कप के जो में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद तो और ज्यादा मतलब वो कहते हैं ना रोमांच बढ़ेगा। इसके अलावा जो पिछले वर्ल्ड कप में भारत को 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, उस हार को कौन भूल सकता है, उस हार का भी तो बदला लेना है। तो उसके लिए मैच का होना जरूरी है और हम चाहेंगे कि इंद्र देवता अपनी कृपा बरसाएं और पानी को या बारिश को उस दिन के लिए रोक लें और मैच को पूरा होने दें। इसके अलावा भारत की टीम के बारे में क्या कहेंगे, भारत के पास वर्ल्ड कप जीतने का मादा है या नहीं? अगर नहीं तो क्यों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।